हीरो नंबर वन के नाम से इंडस्ट्री में पहचाने जाने वाले गोविंदा भले बॉलीवुड से दूर हैं, लेकिन फैंस आज भी उनकी पुरानी फिल्मों और उनके डांस के कायल हैं। गोविंदा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी शादी और भांजे कृष्णा अभिषेक संग हुए झगड़े को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। गोविंदा ने साल 1987 में सुनीता आहूजा से शादी की थी। दोनों की शादी को 40 साल से ज्यादा का समय हो गया। वहीं टीवी पर कई बार दोनों साथ में नजर भी आ चुके हैं, जहां दोनों अपनी जिंदगी से जुड़े कई बड़े बड़े राज खोल चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुनीता आहूजा कौन से धर्म को फॉलो करती हैं? दरअसल बॉलीवुड स्टार्स के बारे में जानना सिनेमा प्रेमियों को पसंद होता है। फिर कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जिसके बारे में कभी ना पता हो तो ये तो सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है। क्या आप यकीन करेंगे कि सुनीता आहूजा ने धर्म परिवर्तन करा हुआ है? थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर है, लेकिन ये सच है क्योंकि इसका खुलासा उन्होंने खुद किया है। हाल ही में सुनीता आहूजा एक पॉडकास्ट में नजर आई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने अपने बचपन, गोविंदा के साथ अपनी प्रेम कहानी और शादी के बाद की जिंदगी के कई दिलचस्प किस्से शेयर किए। उन्होंने एक दिलचस्प घटना याद करते हुए बताया कि उन्होंने एक ईसाई स्कूल में पढ़ाई की थी और एक दिन अपने माता पिता को बताए बिना चुपके से ईसाई धर्म अपना लिया। एक्टर की पत्नी ने कहा कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया ताकि उन्हें थोड़ी वाइन मिल सके। सुनीता ने बताया कि मेरा जन्म बांद्रा में हुआ था, मेरा बैप्टिज्म हो चुका है, मैं एक ईसाई स्कूल में थी और मेरे सभी दोस्त ईसाई थे। एक बच्चे के तौर पर मैंने सुना था कि यीशु के खून में वाइन है और मैंने मन में सोचा वाइन का मतलब है शराब। मैं हमेशा बहुत चालाक थी। शराब पीने में कोई बुराई नहीं है, बस थोड़ी सी शराब पीने के लिए मैंने खुद को ईसाई बना लिया। सुनीता ने आगे कहा कि वो अभी भी ईसाई धर्म का पालन करती हैं और शनिवार को चर्च जाती हैं। बाद में उनसे पूछा गया कि क्या उनके माता पिता उनके फैसले से नाराज थे, जिसका जवाब देते हुए सुनीता ने बताया कि उन्हें इसके बारे में कभी पता ही नहीं चला। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वो दरगाहों, गुरुद्वारा और मंदिरों में भी जाती हैं। इसके अलावा सुनीता ने अपने और गोविंदा के बीच सांस्कृतिक मतभेदों को भी याद किया। उन्होंने खुलासा किया कि वो बांद्रा से थी, जो उस समय का एक पॉश इलाका था, जबकि गोविंदा विरार में रहते थे, इसलिए वो उनका मिनी स्कर्ट पहनना नापसंद करते थे और कहते थे कि उनकी माँ को भी ये पसंद नहीं आएगा। इसकी वजह से उन्होंने गोविंदा की माँ के लिए साड़ियाँ पहनना शुरू कर दी। आपको बता दें कि सुनीता ने 1987 में बॉलीवुड के हीरो नंबर वन गोविंदा से शादी तब की थी जब वो सिर्फ केवल 18 साल की थी। शादी के एक साल बाद उन्होंने अपनी बेटी टीना को जन्म दिया। हालांकि गोविंदा से पहली मुलाकात के दौरान उन्हें लगा कि वो ठीक है। सुनीता ने बताया कि गोविंदा विरार से थे और मैं पाली हिल से थी। किसने सोचा होगा कि हम प्यार में पड़ेंगे और शादी करेंगे। शायद ही किसी को ये बात पता हो कि लंबे अरसे तक सुनीता और गोविंदा ने अपनी शादी को एक राज की तरह रखा था। दोनों ने अपनी शादी को लगभग एक साल तक छुपा कर रखा। इससे पहले एक बार गोविंदा ने अपनी शादी को लव कम अरेंज मैरिज बताया था और बताया था कि शादी के शुरुआती दिनों में दोनों अक्सर झगड़ते थे। तो आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है और इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।